सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मेरा नाम अजय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसपी टेक चैनल। इस वीडियो में बहुत स्वागत है। सो आज की इस वीडियो में बात करें, जैसे कि अगर आपके 1K सब्सक्राइबर जो कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, अगर आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं दोस्तों, आपको लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन नहीं मिल रहा जो कि यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जो कि एलिजिबिलिटी प्रॉब्लम है दोस्तों, तो एलिजिबिलिटी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, कैसे इसको हटा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जब तक ये एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आपको मिलेगा दिखाई देगा दोस्तों, जब तक आप लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे दोस्तों, तो कैसे इसको हटा सकते हैं एलिजिबिलिटी प्रॉब्लम को दोस्तों, तो इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। अगर आपका भी 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो कि एलिजिबिलिटी प्रॉब्लम है दोस्तों, तो इसको कैसे अनेबल हटा सकते हैं और अपनी लाइव स्ट्रीम को अनेबल कर सकते हैं, तो पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। बट इससे पहले अगर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक कर देना, और चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों, जिससे हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए दोस्तों। तो चलिए लेकर चलता हूँ फोन की स्क्रीन पर, वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी लाइव स्ट्रीम को अनेबल कर सकते हैं और इस एलिजिबिलिटी को प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो फ्रेंड, आ गया हूँ मैं मॉल की स्क्रीन पर, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी लाइव स्ट्रीम को अनेबल कर सकते हैं दोस्तों और इस एलिजिबिलिटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक काम करके देखना होगा दोस्तों, अगर आपकी जो यूट्यूब एप्लीकेशन है दोस्तों, अगर वो यूट्यूब अपडेट नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर आपको यूट्यूब अपडेट को करना होगा दोस्तों। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च में जाकर अपनी यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। अपडेट अगर आपकी एप्लीकेशन है तो दोस्तों फिर भी चेक करके देख सकते हैं आप हमारी एप्लीकेशन अपडेट है कि नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन यूट्यूब दोस्तों, यहाँ पर अपडेट हमारी अपडेट का ऑप्शन नहीं मिल रहा दोस्तों। अगर आपकी एप्लीकेशन अपडेट नहीं है तो यहाँ से चेक कर सकते हैं अपने प्ले स्टोर में जाकर जो कि यूट्यूब एप्लीकेशन को सर्च करके कि हमारी एप्लीकेशन अपडेट है कि नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर एप्लीकेशन जो हमारी अपडेट है दोस्तों, अगर इससे भी आपकी लाइव स्ट्रीम अनेबल नहीं होती है दोस्तों अपडेट करने से, तो दोस्तों इस फ्रेंड्स आपको करने की होगा, देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको यूट्यूब ओपन करना होगा, और यूट्यूब ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, तो अपने चैनल वाले लोगो पर क्लिक करना होगा दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों इस पर। तो इस चैनल वाले और लोगों पर क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, और सेटिंग से नीचे आपको मिल जाएगा हेल्प एंड फीडबैक का ऑप्शन। तो हेल्प एंड फीडबैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा दोस्तों, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेंड फीडबैक का ऑप्शन। तो देख सकते हैं आप, सेंड फीडबैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले जो यहाँ पर नीचे दिए गए हैं स्क्रीनशॉट और सिस्टम लॉग्स, तो इन दोनों को आपको अनटिक करना होगा दोस्तों। और यहाँ पर आपको अनटिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाय देयर, दोस्तों यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ, इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो हाय देयर यूट्यूब टीम, माई चैनल 1K 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट, व्हाट लाइव स्ट्रीमिंग नॉट अनेबल। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको लिखना होगा यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों आप, यहाँ पर मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर लिखना होगा आपको एलिजिबिलिटी प्रॉब्लम, कुछ इस तरह से लिखकर आप भेज सकते हैं अपने फीडबैक को। तो दोस्तों यहाँ पर एलिजिबिलिटी प्रॉब्लम प्लीज हेल्प थैंक यू दोस्तों। यहाँ पर आप जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा दोस्तों, इस तरह का आपको फीडबैक भेजना होगा दोस्तों यूट्यूब को दोस्तों, जैसे कि लिख रहा है हाय देयर यूट्यूब टीम माई चैनल 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट, व्हाट लाइव स्ट्रीमिंग नॉट अनेबल, एलिजिबिलिटी प्रॉब्लम प्लीज़ हेल्प थैंक यू। दोस्तों कुछ इस तरह से आपको लिखना होगा जैसे आपको फीडबैक को, फिर फीडबैक को लिखने के बाद यहाँ पर आपको सेंड करना होगा दोस्तों। तो ये मैसेज SMS आपको पहुँच जाएगा दोस्तों यूट्यूब की ओर, तो यूट्यूब आपको ये मैसेज देखेगा आपका, तो फीडबैक देखेगा, तो दोस्तों आपकी लाइव स्ट्रीम जो अनेबल कर देगा दोस्तों। ऐसे अगर आपका नहीं होता एक दो बार में, तो 3-4 बार आपको रोज़ भेजना होगा, जो 2-3 दिन आपको भेजना होगा, फिर आपकी यूट्यूब जो है जो लाइव स्ट्रीम है वो अनेबल कर देगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपनी लाइव स्ट्रीम को अनेबल कर सकते हैं और एलिजिबिलिटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। इससे 3-4 दिन लगातार आपको ये सेंड करना होगा फीडबैक को दोस्तों,
तो यहाँ पर इससे जो आपकी एलिजिबिलिटी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, और इससे आप बहुत आसान तरीके से लाइव स्ट्रीम कर पाएंगे दोस्तों। तो ये बहुत आसान तरीका है दोस्तों इससे एलिजिबिलिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पहला आइकन ऊपर चर को, जिससे कि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तब तक लिया बंदे मात्र।